रक्त संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं। ताली की सेवा। वो सत्य संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं। सत्संग छूट गया मोबाइल तेरे चक्कर में। मेरा सत्संग छूट गया मोबाइल तेरे चक्कर में। संतों से संग छूट गया मोबाइल तेरे चक्कर में। संतों का संग छूट गया तेरे चक्कर में। मैंने घंटों फोन पर बातें की इसकी उसकी मैंने चुगली की। मैंने घंटों फोन पर बातें की इसकी उसकी मैंने चुगली की। पापों का घड़ा भर गया मोबाइल तेरे चक्कर में। ओ संतों के पास में जाओ। बहुत सुंदर, कितना सुंदर पूज्य स्वामी चेतन गिरी जी महाराज ने यह सुंदर, ये हम सब लोगों के लिए यहाँ कितनी तैयारी और कितना सुंदर अच्छे ढंग से संत महापुरुषों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। आए हम पूज्य स्वामी अब हिमाचल की तरफ चलते हैं, हिमालय की ऊंचाई की तरफ। और बड़ी ऊंचाई वाली बात, स्वामी एक बाबा है हरिद्वार में, सुबह सुबह आपको योग कराते हैं। बाबा क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो। तो एक हिमालय में बसते हैं बाबा रामदेव, ये हरिद्वार वाले नहीं, एक दूसरा है, ये टोपी वाले बाबा है। तो हमारे भी स्वामी रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी जो है हम सबके बीच में अपने वाणी वचन से लाभान्वित करेंगे। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। हेलो। ओ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा।
परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो हमारा सत्र चल रहा है शंकराचार्य जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर, उसकी जो अध्यक्षता अध्यक्ष हैं ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम, और हमारे इस संतोष आश्रम के जो स्वामी जी हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम। बड़े महापुरुषों का नाम नहीं लेते, और हमारे जो महामंडलेश्वर जी हैं वो बहुत प्यारे हैं। जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो महात्मा, बहुत अच्छा लगता है, प्रेम की मूर्ति हैं। बहुत समय पहले हम एक बार अजंता एलोरा की गुफाएं देखने गए थे, तो वहां एक बहन थी जो वहां गाइड थी। लोग जो आते थे उनको समझाती थी। तो वहां एक ग्रुप आया हुआ था, कोई बाहर का था, तो उनसे वो पूछ रहे थे कि ये इतनी सुंदर गुफाएं, इतने यहां तपस्वियों ने तपस्या करी, आखिर कारण क्या था कि ये उजड़ गए थे, लुप्त प्राय हो गए थे। उस बहन ने कहा था, मुझे आज भी याद है, कोई 20-25 साल पहले की, उनका इस देश में एक शंकर नाम के व्यक्ति हुए, ऐसा कहा उन्होंने कहा। उनसे पहले इस देश में बौद्ध धर्म था, तो एक शंकर जिनको लोग, हम हिंदू धर्म वाले लोग जो बोल रही थी वो को शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को हटा करके पुनः हिंदू सनातन धर्म की स्थापना करी। तो उन लोगों ने पूछा कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, तो उन्होंने यही कहा था कि वो महान विद्वान थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई फौज का सहारा नहीं लिया, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने पुनः सनातन धर्म की स्थापना करी। आज ऐसे शंकराचार्य महाराज की आज हम जयंती भी मना रहे हैं, और आगे स्वामी जी का पट्टाभिषेक भी होने वाला है। शंकराचार्य के बारे में सनातन महाराज ने कहा था कि बोलना है आज, इतने बढ़िया ऑर्गेनाइजर थे वो, उन्होंने 4 मठ की स्थापना करी, एक दक्षिण में, एक उत्तर में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, फिर वो महामंडलों की स्थापना करी, और उन महामंडलों के जो संचालक थे वो महामंडलेश्वर थे, फिर मंडलों की स्थापना करी, मंडलों के अधीन में फिर महंत बनाए गए। तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म को कैसे पुनः जागृत किया जाए, वो शंकराचार्य भगवान से सीखना था। तो इतने महान व्यक्तित्व के धनी शंकराचार्य महाराज अगर नहीं होते, उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता, तो आज हम आपके सामने नहीं होते। उन्होंने ऐसा संगठन तैयार किया हमारे दशनाम सन्यासियों का, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, सागर, वन, पर्वत, माने व्यवस्था अद्भुत व्यवस्था है। और उनका जो अद्वैत का सिद्धांत था वो प्रबल था। आज दुनिया में अगर हम जाने जाते हैं, सनातन धर्म की जो पहचान की जाती है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान शंकराचार्य जी महाराज का है। उनका ज्ञान अद्भुत ज्ञान, उनके ही ज्ञान के बल पर, उन्हीं का अनुसरण, उनके अनुयायी हम सब यहां बैठे हुए हैं। एक सिद्धांत है कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। आप सब लोग यहां बैठे हैं, इतने
जब हम आए हैं 8 तारीख से तो सब निष्काम कर्म योग में लगे हुए हैं, तो उससे मिलेगा क्या कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होता है हमारा, लेकिन मन की चंचलता नहीं मिटती है, वो उपासना से मिटती है। तो चेतन गिरी जी महाराज ने ये जो सब व्यवस्था करी है आपके अंतःकरण शुद्ध करने की, तो निष्काम कर्म लोग आप कर रहे हैं, मन की चंचलता मिटे उसके लिए नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, वहां जाके उपासना करिए। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिए उनके उनके सत्संग, उनके प्रवचन आप सुनिए। तीनों का संगम यहां महाराज जी ने इकट्ठा करके रखा है। और एक सबसे बड़ी बात है, संत की पहचान कैसे होती है? ज्ञान से होती है, ये तो सत्य है, ज्ञान से ज्यादा उनके भक्तों से भी होती है। महाराज, हम कुछ समय पहले चेन्नई में थे, 4-5 साल पहले हम कहीं फंस गए थे ऐसे। हमने हमारे साथ एक स्वामी जी और थे, उनका क्या करें, जिन पर भरोसा था उन्होंने मना कर दिया। वो अपने थे, अपने माने जिनके लिए हमने 20-25 साल लगाए, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा अब आप तो है नहीं हमारे। मैंने कहा हम आपके ही, पर उन्होंने मना कर दिया। तब अब उन्होंने कहा भाई क्या करें, तब हमने महाराज जी को फोन किया, हमको याद आई। तो महाराज जी ने तुरंत किसी अपने भक्तों से कहा, मैं आपको क्या बताएं महाराज, इससे पता लगता है कि वो महापुरुष कितने महान हैं जिनके भगत सुनते ही 10-12 जने वहां पहुंच गए। महाराज बिंदन मारे, उन्होंने कहा आप 10-15 मिनट वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। तो ऐसे आप उनके भगत हैं, तो ऐसे महापुरुष जो हमारे स्वामी जी हैं उनका पट्टाभिषेक होने वाला है, उनको के चरणों में तो हमारा बहुत बहुत प्रणाम है, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार है। और जिस आज के कार्यक्रम को हमारे स्वामी जी जो चला रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है महाराज हमको यहाँ बिठाने में। उनका आशीर्वाद नहीं होता, उनका अपने मित्र के ऊपर सहयोग नहीं हुआ होता तो हम लोग यहाँ आ जाते ही नहीं। तो ऐसे शुभ माने महोत्सव के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे सनातन महाराज हैं, खुद तो गा लेते हैं भजन, और आधुनिक भजन भी गा लेते हैं बना बना के, और दूसरों को टाइम से बांध देते हैं। तो हमारे मन में भी लग रहा था कि एक भजन हम भी सुना दें, अगर उनकी आज्ञा हो तो। देखिए, कोई रिश्ता बनता है, बिना रिश्ते के कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है। हमारा रिश्ता कभी बना होगा चेतनपुरी महाराज से, इस जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों से मिला हुआ होगा। तो आइए छोटा सा भजन गा के मेरी वाणी को विराम दूंगा। जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, ये तो आपके ही मारवाड़ की थी। प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, तो प्रीत न करियो को। नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम न करियो को। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। Thank you.
महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे महामंडलेश्वर जी जो हमको कहते हैं कैसे हो महात्मा, उनके श्री चरणों में प्रणाम। चेतनगिरी जी महाराज आपको प्रणाम। सनातन जी महाराज आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है, आप नाराज मत हो जाना महाराज, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम। हरिओम तत्सत। मन तो कर रहा था कि 10 मिनट और प्लस कर दिया जावे, लेकिन समय करता है इनकार, इसलिए रामदेव बाबा को बोलो सच्चिदानंद। आए हम पुनः सत्संग की तरफ लौटे, और जहां से मैं आया हूं उस तरफ जावे, वहां से एक साध्वी आई है अंबाला से, साध्वी रमा जी। वे भी 10 मिनट के बीच में, 5-7 मिनट में बिल्कुल, क्योंकि जो स्वामी जी ने हमको जो अनुमति आज्ञा दिए हैं उनके अनुसार से चलना है। तो साध्वी रमा जी को माइक दीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु
गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोच्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय सकल संत समाज की जय भक्त समाज की जय आज की आनंद की जय परम आदरणीय परम पूजनीय 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज परम आदरणीय परम पूजनीय इस आश्रम के महंत 1008 श्री चेतन गिरी जी महाराज परम पूज्य आचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज इस मंच पर सभी विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्त समाज माताओं सज्जनों मेरे इस आश्रम में आना ये दूसरा बार ये हुआ 2016 में जो कार्यक्रम जो हुए थे संत सम्मेलन और ये 2024 में जो संत सम्मेलन हुआ महाराज जी की कृपा से मैं यहाँ पर आई हूँ स्वामी जी के महामंडलेश्वर बनने के खुशी में हम सभी भक्तजन संत महापुरुष यहाँ पर पधारे हुए हैं और स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं क्या मैं दूं स्वामी जी से मैं यही आशीर्वाद में चाहती हूँ माताओं सज्जनों ये मनुष्य का शरीर जो हमें बहुत ही सौभाग्य से मिला हुआ है और ये सौभाग्य जो है उसका हम लाभ उठावे संत महापुरुषों का दर्शन प्रसन्न और उनके वाणी वचनों को श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर इस पंडाल में विराजित हुए हैं संत महापुरुषों की महिमा है आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत न होते जगत में तो जर मरता संसार संत बड़े परमारथी शीतल उनके अंग और तपन बुझावे और को दे दे अपना रंग वृक्षा कभू न फल भके नदी नाचवे नीर और परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर तो हम संत महापुरुषों के इस ज्ञान के कुंड में स्नान करने के लिए हम बैठे हैं माताओं सज्जनों हम राधा कुंड में स्नान करते हैं द्रौपदी कुंड में स्नान करते हैं बहुत से कुंड में हम स्नान करते हैं पर सबसे बड़ा जो कुंड है ज्ञान का कुंड जहाँ संत महापुरुष विराज हो जाते हैं और अपने वाणी वचन ज्ञान का जो अपने विचार जो देते हैं उस कुंड में स्नान करने का हमको सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया लाभ बताया है साधु संत की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए धर्मित मन जब होके सुस्थिर बहुरी न भव जल आइए अब श्रोताओं को कौन से कुंड में स्नान करना है स्रोत बात की अधिक सारे साधनी भेड़ लीजे बावरी
संत महापुरुष जो ज्ञान के कुंड में स्नान करने के लिए बताते हैं, तो उस कुंड में हम स्नान करते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त हो जाने से हमारे अंदर भक्ति जो है और पल्वित हो जाती है और उसे हमारा मुक्ति हो जाता है। तो माताओं सज्जनों, संत महापुरुषों का दर्शन प्रसन्न और उनके सत्संग से बढ़ करके इस संसार में और कुछ नहीं है। यही सार है जीवन का। और आपको ऐसा कोई नहीं कहेगा कि सत्संग करो, कीर्तन में जाओ, ऐसे नहीं कुछ कहेगा। हमको स्वयं ही हमको करना पड़ेगा। वंदे कर ले आप निबेड़ा, आप जीवत लक आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, कठिन खाल को घेरा। हमें अपने आप ही निबेड़ा करना है, हमें अपने आप ही सत्संग में जाना है और अपने जीवन का जो सार तत्व है उसको संत के सानिध्य में जा करके समझना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। बस मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। बहुत सुंदर साध्वी रमा जी, सत्संग की महिमा, ज्ञान कुंड की महिमा अपने वाणी में उद्धृत की। अब हमारा कार्यक्रम जो है ना बिल्कुल विराम ठहराव की तरफ जा रहे हैं और इसके भी हम सब लोग भक्ति की धारा की तरफ जानते हैं। रसो वैसा उस भूमि में जाते हैं, उस वृंदावन उठ वर्षा ने, और वहां से आए हुए स्वामी ज्ञानानंद जी जो बिल्कुल पार्श्व में बैठे हुए हैं, वे अपने संक्षिप्त, फिर दूसरे सत्र में पुनः कार्यक्रम होगा ऐसे ही संत महापुरुषों का, 2 बजे से आपको पुनः आप सब लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करके हल्की सी विश्राम करके आप सब लोग पुनः यहाँ पर आ जाएंगे, पुनः संत महापुरुषों का वाणी का प्रसाद इस मन से प्रसिद्ध होगी। तो अभी हमारा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आप सबके बीच। नारायण बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी जयकारे में करंट नहीं है, जोर से बोलो नीलकंठ महादेव की, और थोड़ा जोर से बोलो संत भगवान की। अब दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम। अभी हाथ उठे हैं आधे, पूरे उठाओ जय जय श्री। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, बीच में आप सब देख रहे हैं। और यहां मंच पर जितने साधु संत विराजमान हैं, ज्यादातर